हेलो नमस्कार दोस्तों, आशुतोष डे म्यूजिक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो कि फ्लूट कहाँ से खरीदे, फ्लूट कैसे सीखे, गुरुजी कैसे ढूंढे, ये सब सारी बात आपकी ये सब सारी बातें क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ, जो कि आपको पिछली वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी जो मैं ये दूसरी लेसन देने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा लेसन है और आप लोग जरूर देखिए, जरूर फॉलो करिए एंड सीखते रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम बिगनर लेवल से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। क्योंकि जब आप बिल्कुल बेसिक से कुछ भी बात करते हैं, सीखते हैं, तो आपको नॉलेज होता है, आप तरीके से विधिवत तरीके से आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये मेरा मानना है और हमने ये डिसाइड किया है जो कि आपको सिखाना है, आपको बताना है। बाकी आज की हमारी टॉपिक है लेसन नंबर 2। इसमें हम बात करने वाले हैं फ्लूट में हवा, हम एयर कैसे ब्लो करें एंड उसके साथ साथ फ्लूट कैसे पकड़ें। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको फ्लूट पकड़ना नहीं होगा तब तक बजाना तो दूर की बात। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये बताऊं, और हमारी ये बिल्कुल अभी बिगनर लेसन है जो कि बिल्कुल बेसिक है। जो सोच रहे हैं फ्लूट सीखना, जो सोच रहे हैं जो कि शुरू करना, तो उन सबके लिए है, और उन सबके लिए है जिन्हें कोई पैसे की इधर सोर्स नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, तो उन सब तक हमारे वीडियो पहुंचे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि जरूर हमारे वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाए, ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी सीख पाए। तो आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम, और आपको बताने वाले हैं सबसे पहला नंबर जो कि इसमें हवा फूक कैसे मारे। अपनी भाषा में बोले तो फूक कैसे मारे, वैसे कहते हैं जो कि एयर ब्लो है ना। तो क्योंकि दोस्तों ऐसा ना, अगर यदि आपने हमारी वीडियोज देखना शुरू किया, आप अगर यदि हमें फॉलो करते हैं, हमारी वीडियोज आप देखते हैं, तो 100% है जो कि आपको फ्लूट बजाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि हम बिल्कुल विधिवत तरीके से और आसानी ईमानदारी पूर्वक आपको बता रहे हैं, तो इसलिए जरूर से जरूर आप लोग देखिए, फुल वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करिए। तो आइए ना लेट करते हुए हम सीधी मुद्दे की बात करते हैं और शुरू करते हैं एयर ब्लोइंग। तो दोस्तों देखिए, ये फ्लूट है, आपने फ्लूट खरीद के लिए आया, सब कुछ हो गई है, अब बैठना है और आहिस्ता से इसे लीप सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगता है, आपको घबराना नहीं है, हफ्ता 10 रोज लग सकता है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल नहीं मतलब घबराना जो कि नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार के आगे ही जीत है, तो इसीलिए बिल्कुल ना हारे, आपकी जीत पक्की है। तो देखिए फ्लूट है, इसमें एयर ब्लोइंग का सीधी सी फंडा है, आप एक ना होता है एक मिरर ले आइए, एक आईना रख लीजिए सामने में और उनमें ये चीज मिलाइए, ये लेप जो है ना, लेप पूरी बताया था। तो ऐसे बिल्कुल एकदम इसको आराम से पकड़ के और ऐसे ऐना के सामने, मिरर के सामने से घुमाना, जहां से आपकी ये सेटिंग होता है ना, जब आपकी सेट हो जाएगा तो फिर जो है कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, फिर तो जहां पकड़ाएंगे वो बैठ जाएगा, वही सिस्टम जगह पर ही पकड़ेगा, लिप यहाँ पे सेटिंग हो जाता है, ये एयर ब्लोइंग हॉल में ये आपकी लिप जो है यहाँ पे सेट हो जाता है बिल्कुल। और सेट होने के बाद जब आप फूक इसमें मारते हैं तो वो बिल्कुल 100% फ्लूट के अंदर ही जाता है हवा। ये हुआ पकड़ने की बात है। तो दोस्तों पकड़ने की बात है, राइट हैंड की फिंगर्स को हम लेकिन बिल्कुल ऊपर की ओर जाएंगे, ये रहा राइट हैंड ऊपर की ओर और लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर, ये इधर से घुमा रहा
नीचे की ओर से ऐसे घुमा के, और ये राइट हैंड बिल्कुल ऊपर से जाएगा ये प्लूट की, अगर यदि आप राइट हैंड है, अगर लेफ्टर है आप तब तो ये इधर भी हो जाएगा, तो लेफ्ट वाले के नहीं है ये राइट वालों के लिए है। तो राइट वालों के लिए राइट हैंड जो है उनका बिल्कुल प्लूट को ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है ये नीचे से आएगा। और देखिए यहाँ पर जो है पकड़ने का तरीका ये है, प्लूट को आपको इससे नहीं पकड़ना, इससे पकड़ना, इससे ये और ये देखिए ऐसे 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 होता है, ऐसे 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 होता है, और ये बिल्कुल बहुत अच्छे से पकड़ाता है, इसमें ग्रिप बहुत बढ़िया है। और फिर उसके बाद जो है जब आप अपने लिप आपकी सेटिंग हो जाता है तो फिर जो है ये आपकी ग्रिपिंग बढ़िया हो जाता है। और ये बहुत अच्छा टेक्निक है दोस्तों, आप जब आपको पकड़ने के लिए हो गया ना ये तरीके से, अगर ग्रिप मिलने लगा आपको फिर आप इस पे फिंगर की एक्सरसाइज करिए। जब आप फिंगर की एक्सरसाइज करते हैं इसके ऊपर तो आपकी फिंगर इस पे फास्ट होता है, जब फास्ट होगा तो सुर बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ना सार्प बनने लगता है, जब आप इसमें फूंक मारते हैं तो सार्प आपको बने, कान आपकी धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों तानसेन बनने के लिए सबसे पहले आपको कानसेन बनना होगा, तो म्यूजिक जो है ना ये संगीतमय दुनिया, इसमें संगीत की बहुत बड़ा भूमिका है, हर दिल में राज करता है संगीत, हर मन में है संगीत, जिन्हें संगीत नहीं है वो तो जानवर है, क्योंकि सुर मने देवता सुर मने राक्षस, तो सुर में करते रहेंगे तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, और आप सब कोई भी कार्य करेंगे तो बिल्कुल हिसाब से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो इसीलिए आप ये पकड़ने की तरीका है, जो राइट हैंड को ऊपर से लेके आएंगे एंड लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर से, ठीक है दोस्तों, ये हो गया फैनम। और फूक कैसे मारना है, तो ऐसे बिल्कुल इसको सेटिंग करना, जब आपकी सेट हो जाएगा तब ये बहुत अच्छा बजेगा। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों बजाने में, यकीन मानिए, आप हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल हमारे लेसन को फॉलो करते चलिए, आप जरूर 6 महीने के अंदर में आप फ्लूट के ऊपर सॉन्ग बजाना शुरू कर देंगे। और ये बिल्कुल बिगनर लेवल का फ्लूट खरीदिए, सी स्केल का, और पूनम ले लीजिए, कान्हा ले लीजिए, इसका भी है क्या कहते हैं सोनी का भी है, तो जो भी हो, लेकिन वो जो फुटपाथ पे बेचता है वो रेड बत्ती पे रोड पे घूम के, उनसे मत लीजिए, क्योंकि उनका फ्लूट जो है अपन के काम का नहीं है, तो उनका फ्लूट जो है वो बच्चे लोगों के लिए है, वैसे ही मतलब प्रोफेशनल के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है, जब भी लेना है तो प्रोफेशनल क्वालिटी की लेना है। और फिंगर की ये रही बात, हमने आपको बता दिया जो कहाँ से खरीदना है, गुरु जी के लिए कैसे, हम लोग ही हैं, सीखिए देखिए। और फिर आपकी फिंगरिंग की ये बात रही, जब ये फिंगर आपके बढ़िया ग्रिप मिल जाता है, यहाँ पे एयर ब्लोइंग का जो है लिप का सेटिंग करिए, ये हो गया क्लियर। और उसके बाद जो है फिर ये 3 कॉर्ड को क्लोज करेंगे और इसमें फूंक लगाएंगे तो ये सुर बजेगा सा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको ये बताया कि फ्लूट कहाँ से खरीदना है, गुरुजी कहाँ से लाना है, कैसे करना है, और कैसे फ्लूट में एयर ब्लो करना है, कैसे पकड़ना है, ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, हमें आशा है और उम्मीद है, विश्वास है। और आप यकीन मानिए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, आप हमारे लेसन को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप हमारी सपोर्ट करिए, हम आपकी करेंगे। और बिल्कुल नए नए लेसन और बिगनर लेवल से मैं लेकर आया हूँ, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, तो देखते रहिए आप हमारे चैनल आशुतोष डी म्यूजिक, और जरूर से जरूर जाते जाते तो सब्सक्राइब तो बनता है दोस्त, सब्सक्राइब करके जाना, आप जाएंगे ना वो वादा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वैसे देख के चले जाते हैं, ऐसा मत करें दोस्तों,
सब्सक्राइब करेंगे आप, हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमें भी सिखाने मजा आएगा।